नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा, आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। आइए आपको दिखाते हैं देश और प्रदेश की तमाम खबरें। आजमगढ़ जिले के कौड़िया में बाइक से गिरकर युवक की मौत हो गई। मृतक थाना कप्तानगंज के अंतर्गत अराव गुलजार गांव में अपने मामा की 13वीं में गया था, जो वहां से घर वापस आ रहा था। तभी कौड़िया बाजार में उसकी बाइक निर्माणाधीन सड़क के गड्ढे में चली गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जहां अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। मृतक के घटना की सूचना मिलने पर परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और वही पत्नी पूनम का रो रोकर बुरा हाल है। आजमगढ़ के अतरौलिया नगर पंचायत के प्रधान डाकघर पर आए दिन नेटवर्क खराब रहता है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। तो वही नेटवर्क समस्या बताकर कर्मचारी भी अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। आए दिन डाकघर में रजिस्ट्री कराने और पैसा निकालने की लंबी लंबी लाइनें लगी रहती है। रजिस्ट्री व आधार कार्ड बनवाने वालों को भी निराश होकर वापस अपने घर को जाना पड़ता है। मैराम यादव, आप रजिस्ट्री करने आए थे, कितनी बार आते हैं यहाँ पे आपको नेटवर्क प्रॉब्लम? मैं तो पहली बार आ रहा हूँ। अभी आप बोल रहे थे कई बार जब आते हैं तो नेटवर्क नहीं मिलता। नहीं, नेटवर्क क्या, हम लोग भवनाथपुर भी जाते हैं, नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है। कुछ भी करने जाते हैं नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है। आप काम क्या कराने आए थे? अभी रजिस्ट्री करने आए थे, नहीं हुई। क्या बताया प्रॉब्लम? वो नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ ठीक है। और आजमगढ़ जिले के अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र में अपना दल एस की शीर्ष नेता और राज्य मंत्री रेखा पटेल ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां भी गिनाने से नहीं चुकी। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करते हुए कहा कि कार्यकर्ता ही किसी पार्टी संगठन की रीढ़ होता है, ऐसे में कार्यकर्ताओं के बल पर ही सब कुछ चल रहा है। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री श्रीमत पटेल मदन पट्टी कौड़िया सहित कई गाँव का दौरा किया और गाँव में जाकर लोगों से मिली और बातचीत भी की। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ TV20 न्यूज पर। अब चाहेंगे इजाजत, नमस्कार। फरीदाबाद में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हर खबर के करंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।